हालात गर्मी की वजह से कैसे हो गए हैं बेचारे। हाँ जी, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना, ये मतलब मैंने बहुत पहले बनाया था और इसके बाद मैं बिल्कुल भूल गई थी इसको रिकॉर्ड करने के बाद कि मुझे इसको अपलोड भी करना है। तो मैं ऐसे ही गैलरी चेक कर रही थी, फिर मैंने देखा ये वाला व्लॉग मैंने वैसे ही रहने दिया था, फिर मैंने इसको सोचा एडिट करके चलो अपलोड कर देते हैं, बनाया था इतनी मेहनत से। तो हम लोग सारे फ्रेंड्स गए थे ओमैक्स मॉल, उस दिन का ये व्लॉग है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी तब, ये जब मैंने व्लॉग बनाया था तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी एक्चुअली। तो चलो देखते हैं कि अंदर से ये कैसा दिखता है ये मॉल, और आप लोग को जाना चाहिए या फिर नहीं, वर्थ इट है या नहीं, ज़रूर देखना अगर आप लोग जाने का सोच रहे हो तो। और अगर नहीं भी सोच रहे हो तो भी देख लो यार, क्या जाता है ना। और चलो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। एंड आज के व्लॉग में हम लोग को बहुत सारी बातें करनी है, तो बी रेडी। एंड सबसे पहले पहले आप लोग मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का कोई यूट्यूब चैनल है या फिर नहीं, या फिर अगर आप लोग बनाने का सोच रहे हो तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मैंने ये एक चीज़ देखी है कि काफ़ी सारे लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद में नहीं आता है, लेकिन तब भी वो लोग देखते हैं। और इल्मा कैसा लग रहा है? वैसे मॉल में एंटर करते ही पता चल गया था कि ये है तो बहुत अच्छा मॉल, काफी अच्छा बनाया हुआ है भी है, अंदर से देख सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आए थे ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे इतना कुछ था नहीं, शॉप वगैरह ऐसी बहुत सारी हैं जो अभी कमिंग सून है, जो आई ही नहीं है यहाँ पे शॉप्स वगैरह। तो अभी मतलब काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है इसको फुल्ली डेवलप होने में, बट तभी अगर आप लोग आना चाहते हो डेफिनेटली आ सकते हो। यहाँ का खाना ट्राई करना हो ना तो मतलब खाने के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एंड हम लोग एंटर होते ही सबसे पहले गए थे वॉशरूम, क्योंकि हुलिया इतना बेकार हो गया था, देख सकते हो हमारे हालात गर्मी की वजह से कैसे हो गए हैं बेचारे हमारे चेहरे। तो इस वजह से हम लोग उसको ठीक करने के लिए थोड़ा आए थे यहाँ पर। तो हम लोग ने यहाँ का वॉशरूम भी इतना ज़्यादा प्यारा था ना, मतलब क्या कहें, इसका इंटीरियर इतना प्यारा था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर आए थे, यहाँ पे दिल्ली छेकर की एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो भी ले रहे थे, काफ़ी सारे लोग तो रील्स भी बना रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आए थे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाने की वैरायटीज़ इतनी सारी हैं, अगर आप लोग को खाना हो तो बहुत सारे आप लोग को मिल जाएंगे, जो भी आप लोग खाना हो, चाइनीज़ हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो डेफिनेटली आप लोग खाने के लिए आ सकते हो यहाँ पर। अच्छा, एक मुझे फीडबैक चाहिए था आप लोगों से कि आप लोग ये बताना कि मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए, मतलब कुछ कमी लग रही है, कोई मिस्टेक लग रही है, तो आप लोग वो भी बता सकते हो। अपना फीडबैक मतलब कमेंट्स में ज़रूर मुझे देना, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे आए थे खाने के लिए वांगो में, यहाँ पे खाने के लिए मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, बट हम लोग को खाना था डोसा, और हम लोगों ने डोसा का ही एक मील लिया था यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने प्लेन डोसा ट्राई करना था, क्योंकि मसाला डोसा इससे पहले ट्राई किया था बट बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा था। तो हम लोगों ने ये वाला मील लिया था जिसमें कॉफ़ी भी था। बिल्कुल आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये कॉफ़ी बहुत ही गंदी थी, कभी मत पीना यहाँ पे जाके, कॉफ़ी बहुत ही ख़राब थी, मतलब डोसा अच्छा था, कॉफ़ी नो नो नो, कॉफ़ी मत ट्राई करना यहाँ का। एंड इसके बाद हम लोग आ गए थे घूमने फिरने के बाद बाहर मॉल के, एंड मॉल के बाहर देख सकते हो ऐसा कुछ आप लोग को नज़र आता है, इसका जो वाइट आर्किटेक्चर है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है सामने से देखने में। डेफिनेटली गर्मी में तो बिल्कुल भी मत जाना। तो होप सो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर देना। एंड जो लोग मेरी व्लॉग्स को चुपके चुपके देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, उन लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और हाँ ये मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट में किस किस का यूट्यूब चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।